नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड के बारे में। तो बेसिकली जो ये कंपनी है, ये सीमेंट बनाती है। आप सभी को पता है, अंबुजा सीमेंट हो गया, बिरला सीमेंट हो गया, तो उसी तरीके से ये जो अंजनी पोर्टलैंड सीमेंट लिमिटेड है, ये भी एक सीमेंट की एक शानदार कंपनी है। देखिए, इसका जो क्लोजिंग हुआ है वे 234 रुपये 65 पैसे के ऊपर हुआ है, और आज इसने जो हाई बनाया था वे 237 रुपये का हाई बनाया था, और इसने जो लो बनाया था वे 229 रुपये का था, और इसका जो ओपनिंग था वे 235 पे हुआ। 52 वीक अगर लो की अगर मैं बात करूँ तो 224 रुपये 75 पैसा है, अगर मैं 52 वीक हाई की बात करूँ तो 531 रुपये 95 पैसा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। तो कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम कंपनी का ग्राफ देख लेते हैं। देखिए, अगर मैं एक दिन की बात करूं तो लगभग ये 2% अप है, अगर मैं 5 दिन की बात करूं तो 1.51% अप है, अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो लगभग ये 17% डाउन है, अगर मैं 6 महीने की बात करूं तो लगभग 21% डाउन है, अगर मैं ईयर टू डेट की बात करूं तो 27% डाउन है, अगर मैं 5 ईयर्स की बात करूं तो 1.17% डाउन है, और अगर मैं मैक्सिमम की बात करूं तो ये अपने ऑल टाइम पे 5.72% लो पे है। यानी जो कंपनी है, इसका देखिए जो लिस्टिंग है वह 249.80 रुपये पे है। देखिए, कंपनी का ये जो मैं आपको प्राइस दिखा रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें बोनस स्प्लिट हुआ होगा, तो जिसकी वजह से प्राइस को क्या किया जाता है जी, एडजस्ट कर दिया जाता है। तो देखिए, 2017 से है, और देखिए जो कंपनी का जो ग्राफ है वे मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, तो ये देखिए फिर वहाँ से नीचे गया और नीचे जाने के बाद फिर 2021 यानी 16 अप्रैल 2021 को इसने 220 रुपये से इसने देखिए सीधा बाउंस बैक किया, और इसने जो हाई बनाया वह लगभग 532 रुपये का इसने हाई बनाया। तो देखिए, इसका जो रेजिस्टेंस लेवल होगा, जो इसका जो सपोर्ट है वे 220 मान के चलिए या 210, अगर ये कंपनी, और देखिए वहाँ से हाई बनाने के बाद इस कंपनी में लगातार गिरावट हमें आ रहा है, तो देखिए इसका जो सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा वे 210 रुपये का होगा, यानी 200 से लेकर 220 के इसका सपोर्ट लेवल है। अगर 220 का लेवल अगर ब्रेकआउट कर जाता है, या 210 का लेवल भी ब्रेकआउट कर दिया, या 200 का लेवल भी ब्रेकआउट हो गया, तो कंपनी अधिकतम जो जाएगी वे लगभग 150 रुपये या 160 रुपये के आसपास ये जा सकती है। चलिए, तो कंपनी के हम अब थोड़ा सा फंडामेंटल देख लेते हैं। तो कंपनी का फंडामेंटल देखने से पहले देखिए, यहाँ पर जो ये एनालिस्ट है, तो इसमें 2 आपको बाई की सलाह दे रहे हैं और 14 आपको बाई की सलाह नहीं दे रहे हैं। तो चलिए, कंपनी का जो मार्केट कैप है वे 593 करोड़ है, और देखिए यहाँ पर ये जो पीईजी टर्म टू टर्म दिया हुआ है यानी निगेटिव है, यानी इस कंपनी का जो ग्रोथ है वे निगेटिव में है। अगर प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो 1.7 है, इसका जो आरएसआई इंडेक्स देखा जाए तो 37.6 है, एमएफआई इंडेक्स देखा जाए तो 30.2 है। तो देखिए, ये कंपनी के, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इस कंपनी का आप स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में देख सकते हैं। ये कंपनी का स्ट्रेंथ है, ये कंपनी का वीकनेस हो गया, वीडियो को पॉज करके देखिएगा। इस कंपनी का अपॉर्चुनिटी कोई नज़र नहीं आ रहा, और इस ना ही इस कंपनी के ऊपर कोई थ्रेट्स है, यानी ये जो कंपनी है वे लगभग ठीक ठाक है।
अगर क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो देखिए मार्च 22 में इस कंपनी का रिजल्ट का अनाउंसमेंट हुआ है, तो इस कंपनी का जो मात्र नेट प्रॉफिट है वह 0.8 है। यानी क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो मार्च 21 में इसका जो नेट प्रॉफिट था वह 24.2 था, जून 21 में 23.1 हो गया, सितंबर 21 में 6.9 हो गया, दिसंबर 21 में 4.2 हो गया, और अभी का जो नेट प्रॉफिट है वह 0.8 है। तो यानी जो कंपनी के अंदर जो गिरावट है नेट प्रॉफिट के टर्म्स में, वे लगातार क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी के अंदर मुझे डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। चलिए मैं ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमारे पास इसका तो अभी फाइनेंशियल कंडीशन का मतलब फाइनेंशियल रिजल्ट तो हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, बट मार्च 22 का जो इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है, चलिए आ गया हमारे पास ये। हाँ तो मार्च 18 में जो कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वह 361 करोड़ रुपया का था, और इसका जो नेट प्रॉफिट था वह 23.4 था। मार्च 19 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा 438 करोड़ का हुआ, और इसका जो नेट प्रॉफिट है वह 23.2 करोड़ का है। मार्च 22 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह 40.4 का हो गया, और मार्च 21 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह 85 करोड़ का है, और मार्च 22 में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वह 35 करोड़ हो गया। यानी अगर ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो देखिए मार्च 18 और मार्च 19 और के कंपेयर में कंपनी का रिजल्ट अच्छा है, बट मार्च 20 और 21 का जो रिजल्ट है उसके कंपेयर में फीका रिजल्ट है। तो देखिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वे सीधा आधा से भी ज़्यादा नीचे चला गया है, ठीक है। ये कंपनी का कैश फ्लो हो गया, आप देख सकते हैं इस ग्राफ के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। चलिए कंपनी के ऊपर तो कोई कर्जा नहीं है, ये जो कंपनी है वे कर्ज मुक्त कंपनी है, यानी इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेब्ट नहीं है। देखिए मार्च 18 से जो कंपनी का जो बुक वैल्यू है वे भी हमें इंक्रीज होता हुआ नज़र आया है, तो मार्च 18 में 88.9 से बढ़कर मार्च 21 में 136.9 का हो गया है, और इसका जो EBDIT है उसके अंदर भी हमें थोड़ा सा इंक्रीजमेंट दिखाई देखने को मिला है। तो मार्च 22 का जो रिजल्ट आना बाकी है तो उसका अभी जो बुक वैल्यू है वे अभी इसके ऊपर अपलोड नहीं किया गया है। अगर कंपनी का अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो जो कंपनी के जो प्रमोटर्स है तो उनके पास 25% का होल्डिंग है, जो FIs है उनके पास 0.56% का होल्डिंग है, और जो म्यूचुअल फंड है उनके पास 0.11% का होल्डिंग है। तो चलिए कंपनी का कॉरपोरेट एक्शंस देखते हैं। देखिए कंपनी जो डिविडेंट है वह लगभग लगभग ठीक ठाक देती है, और इस कंपनी का जो अभी स्प्लिट एंड बोनस का जो खेल है ये अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए तो कंपनी के अंदर हमें नेट प्रॉफिट और क्वार्टरली बेसिस चाहे सालाना बेसिस हो गया, कंपनी के अंदर मुझे डिक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप इस कंपनी के अंदर आप वॉच आउट कीजिए, और अगर आपको इसमें खरीदारी करना है तो वे 100 रुपया से लेके 150 रुपये के बीच में खरीदारी कीजिएगा, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।